हाय फ्रेंड, आज हम रिक्शा की वायरिंग और रिक्शा तैयार करेंगे। BS6 को BS4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा पूरा वीडियो। हाय फ्रेंड, आज हम आए हैं एक रिक्शा में, BS6 को BS4 करेंगे। तो आज इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस, ये BS6 मॉडल गाड़ी है, टेम्पो अतुल शक्ति। ये आप देख सकते हो, तो BS6 को अपने BS4 बना दिया है। आप देख सकते हो नया इंजन डाल दिया है और गाड़ी की नई डाल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो ये BS4 की वायरिंग है। इसका रिवर्स इधर आ गया, डीजल टंकी उधर है, उधर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से कटिंग करके ये पूरा आप देख सकते हो, सब कटिंग करके इंजन को बिठा दिया है। और ये नीचे का भाग आप देख सकते हो, ये पूरा इंजन यहाँ से BS6 का हटा दिया है। और ये साइलेंसर भी आप देख सकते हो, पूरा फिटिंग हो गया है। अभी वायरिंग का स्विच और थोड़ा बाकी रह गया है, वो डाल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या अपने तौकीर भाई ने पूरा और भाई किसी को वायरिंग, टेम्पो की वायरिंग करानी हो, सेल अप ऑल्टरनेटर का काम करते हैं, सामर बैटरी में काम होता है। सामर बैटरी का आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जीतू भाई करके मैकेनिक है, आप देख सकते हैं। कोई बैटरी डलवानी हो तो भी बैटरी कैमरॉन की बैटरी डालते हैं। ये सब भंगार पड़ा है, वायरिंग है, जूनी वायरिंग है, सब इधर डाल रखी है। और कोई बैटरी चार्जिंग करनी हो तो भी बैटरी चार्जिंग हो जाती है इधर। और ये टेम्पो में पूरा BS6 का मॉडल था, तो इसको पूरा BS4 बना दिया है। ठीक है दोस्तों, ये BS6 वाली वायरिंग है, पूरी निकाल दी है, आप देख सकते हो। ये BS6 का वायरिंग है, अतुल शक्ति टेम्पो। ये फ्यूज बॉक्स, ये आप देख सकते हो, ये पूरा वायरिंग अतुल शक्ति का BS6 मॉडल का निकाल दिया है बाहर। और इसमें पूरा ये नया वायरिंग डाल दिया है BS4 का, आप देख सकते हो अतुल शक्ति का। ये बॉक्स भी पड़ा है, ये BS4 का अतुल शक्ति का पूरा वायरिंग, ये पूरा वायरिंग डाल दिया है, आप देख सकते हो। ये खोल दो इसको, टॉकी ये खोल दो, इधर से आ, ये BS4 वाला नया इंजन जो कंपनी से लाके फिट कर दिया है, आप देख सकते हो ओरिजिनल नया। ये
ये डीजल की टंकी इधर फिट कर दिया है, ये सब यहाँ से कटिंग कर दिया है। जो BS6 में लगी हुई थी टंकी, ऑल्टरनेटर सब इसमें आते थे, सब बाहर निकाल दिया है। अभी सब नए सर से इसको वायरिंग किया है, इंजन डाल दिया है, अभी तैयार कर दिया है पूरा। तो आप देख सकते हो क्योंकि BS6 में वो टेम्पो वाला भाई पूरा हैरान हो गया था, रोज धक्का मारना पड़ता था, परेशान हो गया था, उसको BS6 में बहुत हैरान होना पड़ा। तो उसने BS4 का इंजन ही नया लाके डलवा दिया भाई। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो अतुल शक्ति, और ये देख सकते हो आप BS6। तो इसको पूरा BS4 बना दिया है अभी। अब कुछ बाकी रहा तो कि सब आ गया ओके। सेंसर वाली भी शादी हो गई है, ये पूरी सेंसर। हाँ ओरिजिनली लगा है ना, और किसी भाई को अगर रिक्शा की वायरिंग और करवानी हो तो हमारे भाई ये उस्मान भाई है, ये आपको करके दे देंगे। उस्मान भाई वायरिंग करने में कितना, एक दिन पूरा लगता है क्या है? दो दिन में पूरा तैयार हो जाता है। अगर कोई भाई आता है सुबह रिक्शा लेके तो उसको शाम तक नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, दो दिन पूरा लगेगा। ठीक है दोस्तों, दो दिन में आपकी रिक्शा एकदम पूरी नए सर से वायरिंग हो जाएगी। अगर किसी भाई को रिक्शा की वायरिंग करवानी हो, सेलअप डलवाना हो, सेलअप बनाना हो, ऑल्टरनेटर बनाना हो, ऑल्टरनेटर का काम करते हो ना उस समय? ऑल्टरनेटर का भी काम करते हैं भाई, जो कि ये आप देख सकते हो ऑल्टरनेटर इधर कितने रखे हैं, सब खोले हुए हैं। ये ऑल्टरनेटर का सामान है, आप देख सकते हो। ये सेलअप वेलअप ऑल्टरनेटर, ये बैटरी बदलते हैं भाई। बैटरी लगानी हो तो ठीक है, यहाँ आपको ये रिक्शा में पूरा हो गया है काम, तैयार हो गई है रिक्शा। सामान लेने जाएंगे, फिर टाइम हो जाएगा तो ये रख के वहाँ जाना पड़ेगा। टाइम मिलेगा तो शुक्रवार को दो बजे बाद रख दो, मैं भी कर लिया। गाड़ी आ जाएगी तकलीफ तो उस दिन भी काम करके लेने करवाया। नहीं मतलब है सुबह और 10 बजे तुरंत फिटिंग काम हो गया। शनिवार को शाम को या कभी भी यू भी तुम्हारे रस्ता मारना पड़ता, सेल लगता नहीं है। ये दो ही सॉकेट है, खाली सेल खुलवा के चले जाने का, रिपेयर करके रखे हैं फिर फिट करवा ले। दो ही सॉकेट है, खड़े काम। ये दो ही सॉकेट है ना, ये BS6 की वायरिंग किस में काम लोगे? ये कोई काम की नहीं है। हाँ तो फिर ये कोई काम की नहीं है, जला के देखना। अच्छा जला के, तो फिर हेडलाइट के वायर निकाल दे। ठीक है चालू होने की तैयारी में।
अपना मीटर की लाइट चेक करें। अच्छा मीटर की लाइट चेक करें। ये पूरी वायरिंग ये मीटर के वायर और ये सब है, स्विच के वायर टाइप 3 में मीटर लाइट अलग आती है, इसके सॉकेट अलग आते हैं, इसकी वायरिंग कंपनी देते नहीं है, पर हम सेटिंग करके लगाएंगे। अच्छा ये सब सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ इसको सब अलग अलग वायर लगा के सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी देती नहीं है वायरिंग। अच्छा, इसको अच्छा। हम हमारे हाथ से बना के करते हैं। बराबर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये पूरी वायरिंग अपने हाथ से बनानी पड़ेगी क्योंकि कंपनी दे रही नहीं है वायरिंग। पुरानी वायरिंग में सब वायर ज्वाइंट करने पड़ेंगे तब जाके अपना ये मीटर और ये सब फंक्शन काम करेंगे। सेलअप ये सब फिर बाद में काम करेंगे। सामान लाएंगे ना तो बने रहे वीडियो में। तो भेजेगा पहले लाइन तो रेडी कर दे सब। तो पूरा लाइट का क्या करना है? ग्लास लगा डाल ले लाइट का, वही जोड़ा ले, वही जोड़ा ले ना। हां डीजल काटेगा। आप देख सकते हो ये काटा बताने लग गया। डीजल काटेगा, डीजल का काटा रेडी टेस्टिंग हो रहा है। सब में डीजल काटा ही चलता है। पूरा सेट कर रहे हैं ये साइड लाइट को। अंदर मैं डीजल ही बता रहा है इतना सब आज साथ में लेना पड़ेगा। मतलब आप पार्किंग हो गई इतना बता रहे हैं। लाइट बता दिए ना। लाइट आई नहीं आई। लाइट 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 देखिए पार्किंग हुई। आज के लिए कुछ मेरी लाइट बताएंगे अंदर। हेडलाइट हो रही है आप देख सकते हो। हेडलाइट भी बता रही है पार्किंग है। डीजल काटेंगे आप देख सकते हो पीछे की लाइट इस साइड के इंडिकेटर पूरी रिक्शा तैयार हो गई।